आप आ गए? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बॉस के साथ बाहर खाना खा लिया हूँ, तुम खा लो। शाम को पाव भाजी खाया था मैंने, पेट भरा है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है ज्योति, जरा बाबूजी को बुलाना। जी। क्या हुआ बेटा? बाबूजी पहले आप बैठिए ना। हटो। क्या है ना बाबूजी, ऑफिस के काम से 5 महीनों के लिए मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तू जा, मैं रुकूंगा नहीं, मगर बहू को साथ लेकर जाना। बाबूजी ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाबूजी ऑफिस के 4 बंदे मेरे साथ जा रहे हैं। ठीक है, तू अभी आराम कर, कल सुबह जाने से पहले एक बार मिलकर जाना। जी बाबूजी, गुड नाइट। गुड नाइट। पांच महीने मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? प्लीज देव, जाना कैंसिल कर दो। ये तुम क्या बोल रही हो ज्योति, प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरा जाना कितना जरूरी है। और तुम तो मेरे प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ जानती हो ना। हाँ जानती हूँ, मगर आज आपने डॉक्टर दिखाया? हाँ। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। क्या? इसका कोई उपाय, कोई तो इलाज होगा? हाँ इलाज है, मगर इसके लिए बहुत रुपया खर्च करना होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। अच्छा बाबूजी, बहुत लेट हो गया है, अब मैं चलता हूँ, आप अपना और ज्योति का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और पहुँच के फोन करना। बाबू 5 महीना देखते देखते निकल जाएगा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे बाबू तुम गिरी कैसे? अचानक से चक्कर आ गया। शायद तुम्हारा प्रेशर लो हो गया, तुम आराम करो, उठो। तुम आराम करो, मैं अभी आया। बहू गरम गरम दूध पी लो, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। जी। आहिस्ता आहिस्ता, ये लो पियो। अच्छा बहू तुम आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जी बाबूजी।
बहू ये दूध पी लो। जी बापूजी। अब तुम आराम करो। बाबूजी, क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? बाबूजी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेडिसिन लेकर आइए ना। मेडिसिन क्यों बहू, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, देखिए। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। आप ये मेडिसिन बाहर से जल्दी लेकर आइए। ठीक है, लाता हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, आज सुबह से दो बार वॉमिटिंग हुआ और चक्कर भी आने लगा। आधे घंटे से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो। क्या, प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? आपको अपना डेट याद नहीं? डॉक्टर साहब, डेट कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ, बाहर से करवा लेना। डॉक्टर साहब, सुबह शाम खाने के बाद ये मेडिसिन लीजिएगा। और शर्मा जी, मैंने कुछ टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट लिखे हैं, जो आप बाहर से करवा लेना। क्या मैं रात में बहू को दूध दे सकता हूँ? हाँ, दे सकते हो, कोई बात नहीं। बहू, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। जी। चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बहू, खाना खा लो। लो, खाना खाने के बाद ये दूध पी लेना। जी बाबूजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे बहू हो। अच्छा बहू, मैं जा रहा हूँ सोने। जी बाबूजी। और हाँ, ये दूध पीना भूलना मत।
अरे बहू, तुम चाय पियोगी क्या? नहीं बाबूजी, मैं सोच रही हूँ मछलियों को थोड़ा खाना खिला दूँ। आप चलिए ना मेरे साथ तालाब के पास। मछलियों को खाना खिलाओगी? ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। बाबूजी, वो ब्रेड ले लीजिए ना। हाँ। बाबूजी, आप भी दीजिए ना। हाँ। बहू, ये दूध पी लो। जी बाबूजी। Thank you.
मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बाबूजी मेरे साथ इतना घिनौना काम कर सकते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी।